नमस्कार, खबर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं मेघा सुरोलिया पेश करती हूं अब तक की बड़ी खबरें। सबसे पहले खबर महानगर से। कोलकाता सहित आसपास के इलाकों में एडिनो वायरस का कहर बरप रहा है। कोलकाता के सरकारी और कई निजी अस्पतालों में एडिनो वायरस से पीड़ित सैकड़ों बच्चे अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं, यहाँ तक कि जनरल बेड में जगह तक नहीं मिल रही है। ऐसे में डॉक्टर चिंतित है कि कहीं कोरोना के बाद ये कोई बड़ा कहर ना साबित हो। भांगड़ के आईएसएफ विधायक नौशाद सिद्दीकी ने राज्य प्रशासन को चेतावनी दी है कि उन्हें जेल या जुर्माना कोई नहीं रोक सकता। न्यू मार्केट थाने के मामले में गिरफ्तार नौशाद सिद्दीकी को शनिवार को फिर सेशन कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उसे 3 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया गया है। गोसाबा में द्वारे डॉक्टर सेवा फिर से शुरू हो गई है। गोसाबा के कर्मतीर्थ में शनिवार को आम लोगों तक बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के लिए द्वारे डॉक्टर सेवा शुरू की गई। एक जज साइबर ठगी के शिकार हो गए। पुलिस ने राजस्थान के भरतपुर से आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल पिछले साल अक्टूबर महीने में विधाननगर में रहने वाले जज सोम शुभ्र घोषाल के साथ ऑनलाइन ठगी हो गई, जिसके बाद उन्होंने इस घटना की जानकारी थाने में दी और साइबर थाने की पुलिस ने राजस्थान से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सॉल्ट लेक के छेनावी नाले से एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। विधाननगर दक्षिण थाना अंतर्गत छेनावी इलाके से एक नाले में एक व्यक्ति का सड़ा गला शव बरामद किया गया। शनिवार को जब स्थानीय लोगों ने शव को देखा तो उन्होंने थाने को जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद किया। पुलिस का अनुमान है कि 4 से 5 दिन पहले उसकी मौत हो चुकी है। महाशिवरात्रि पर भगवान शंकर के भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। भूतनाथ, मोटा महादेव, भू कैलाश जैसे स्थानों पर लोगों की भारी भीड़ नजर आई और पूरा परिसर हर हर महादेव जय भोलेनाथ के नारे से गूंज उठा। कोलकाता के भूतनाथ मंदिर में शुक्रवार की रात से ही भीड़ लगनी शुरू हो गई थी। मंदिर के सामने बेहद लंबी कतारें देखने को मिली। कोविड प्रोटोकॉल के रिस्ट्रिक्शन न होने के कारण भक्तों की संख्या बढ़ी हुई। जय बाबा भूतनाथ। शहर में पुलिस बल की जो है तो कुछ तैनाती थी, सिविल डिफेंस के वॉलंटियर थे, सिक्योरिटी गार्ड थे, मंदिर के वॉलंटियर थे, स्वयं सेवक थे और सारी बैरिकेडिंग किया हुआ गया है। दुल्हन की तरह भूतनाथ मंदिर को जो सजाया गया है, सारी व्यवस्था की गई है। मौसम। कल का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस, वहीं न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार कल भी धूप खिली रहेगी। सभी विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए खबर एक्सप्रेस। फिलहाल के लिए नमस्कार।